हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे याद रखें, किसी भी आवर्त सारणी के तत्वों को याद करने का फनी ट्रिक बताएंगे जो बहुत इंटरटेनिंग होगा। आप चलते फिरते इसे याद कर लेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आप जानते होंगे जो वर्टिकल्स कॉलम है इसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप कितने, 18 ग्रुप्स हैं। फिर ये हॉरिजॉन्टल रोज है इसे क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं। तो कितने हैं, 7 पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में। तो आप जानते हैं ये 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है। पहला है एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में क्या आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। फिर क्या है, पी ब्लॉक, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक पी ब्लॉक हैं। फिर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और फिर क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो आज हम ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व को कैसे याद करते हैं वो आपको हम बताएंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए डी और एफ ब्लॉक पर तो आप कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट होगा तो उस पर हम ट्रिक्स बना देंगे याद करने का। तो एस ब्लॉक के पहले ग्रुप में चलते हैं। तो ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये स्पेशल नाम है। तो इसके तत्व को कैसे याद रखें, तो आप ऐसे स्टोरी याद रखें, कोई हलीना नाम की लड़की है, उसके पास रिबन है, उसमें आग लग गया। अगर रिबन में आग लग गया होगा तो उसे बुझाना होगा। तो आग बुझाने को हम क्या कहते हैं, सीज फायर। क्या कहते हैं, सीज फायर। तो क्या कहेंगे हम, हलीना, ह से क्या है, हाइड्रोजन, ली से लिथियम, एन ए से सोडियम। हलीना के रिबन सीज फायर, के यानी पोटेशियम, रिबन यानी रुबिडियम, सीज सीजियम, फायर यानी फ्रेंसियम। तो हलीना के रिबन सीज फायर। अब चलिए ग्रुप 2 को कैसे याद रखें, किसी का बेटा है वो अपने गार्जियन को तंग कर रहा है। तो बेटा मांगे कार, बी किसके लिए आया, बेटा बेरिलियम के आया, बेरिलियम के लिए आया। मांगे यानी मैग्नीशियम, कार यानी कैल्शियम, सारा बाजार, सारा यानी स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो बेटा मांगे कार, सारा बाजार। फिर ग्रुप 2 को हो गया। ग्रुप 13 को हम याद रखेंगे किसी वेजिटेबल्स के नाम पर, किसी सब्जी के नाम पे। तो आप ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट क्या है, बोरॉन है। तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली, थाली किसके लिए आया है, टाइटेनियम के लिए आया, यहाँ पर थैलियम है। बैगन बी से बोरॉन, आलू किसके लिए हम इस्तेमाल करें, एल्युमिनियम। तो बैगन, आलू, गाजर इन यानी इंडियम, इन थाली। तो ऐसे याद रहेगा। ग्रुप 14 को याद करने का तरीका कोई है, उसे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुना के पढ़ा रहे हैं। तो काशी, तो कार्बन और सिलिकॉन को मिला के एक नाम दिए हैं किसी का, काशी जी सुनो और पढ़ो, काशी जी सुनो और पढ़ो। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। फिर ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 का स्पेशल नाम क्या है, निक्ट्रोजन्स ग्रुप भी कहते हैं इसे, या नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप भी कहते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, नाना पोता आज सब पर भेजा। नाना किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन, पोता फॉस्फोरस के लिए, एस आर्सेनिक के लिए, आज सब पर भेजा, भेजा किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्मत के लिए। तो नाना पोता आज सब पर भेजा। फिर ग्रुप 16 का कैसे याद रखें, ग्रुप 16 को हम क्या कहते हैं, कैल्कोजन ग्रुप, क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं, अयस्क बनाते हैं इसके सारे एलिमेंट। तो हम कैसे याद रखें, ये पूर्व यूएस के राष्ट्रपति के ऊपर है, ओसामा, ऑक्सीजन और सल्फर को हम ओसामा नाम दे रहे हैं, ओसामा से 3 पोता, ओसामा से 3 पोता। पोता किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलोनियम के लिए। फिर ग्रुप 17, ग्रुप 17 किस पे है, फ़ोन कॉल देखते हैं आप, रेट घटता बढ़ता रहता है। तो कैसे याद रखें, ग्रुप 17 को हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये लवण का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है इसके एलिमेंट। तो कैसे याद रखें, फ़ोन फ्लोरीन के लिए फ़ोन, कॉल क्लोरीन के लिए फ़ोन कॉल बरी BR, और आयोडीन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बरी, फ़ोन कॉल बरी एट कितने रुपये, 17 पैसे, फ़ोन कॉल बरी, ब्रोमीन और आयोडीन मिला के बरी एट 17 पैसे। फिर ग्रुप 18 को याद करने का तरीका, पहले ग्रुप 18 को देखिए, नोबल गैस भी कहते हैं हम,
अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, किसी फीमेल क्रिकेटर्स के ऊपर है, तो हेने किसी फीमेल क्रिकेटर्स का नाम है, हेने आकर जरे रन। अब कोई बहुत सारे रन मार देता है तो उसको क्या कहते हैं, इतने बहुत सारे रन जर दिए, तो हेने आकर, आकर यानी ऑर्गन, कर यानी क्रिप्टन, जरे जरे यानी जेनन, और रन हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडॉन। तो हेने आकर जरे रन। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम फनी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने का तरीका चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।